अगर आपने मेरा ये वाला डीजे सेट देखा हो तो यहाँ पे मैं आधे सेट पे यूज करता हूँ वर्चुअल डीजे और आधे सेट में यूज करता हूँ रिकॉर्ड बॉक्स। अब मैं लाइव सेट के बीच में वर्चुअल डीजे से रिकॉर्ड बॉक्स में कैसे स्विच किया बताता हूँ। दुनिया का सबसे फीचर रिच सॉफ्टवेयर कोई है तो वो है वर्चुअल डीजे, और इसी वर्चुअल डीजे का एक फीचर है वर्चुअल डीजे स्किल्स, यानी कि आप वर्चुअल डीजे को अपने किसी भी पसंदीदा डीजे सॉफ्टवेयर यानी रिकॉर्ड बॉक्स हो गया, सराटो हो गया, ट्रैक्टर हो गया, किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। प्रोसेस बहुत ज्यादा सिंपल है, आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे एक फाइल लिंक मिलेगी, उसे डाउनलोड करना है। ऐसा एक zip फाइल डाउनलोड होगा, फिर आपको बस इस फाइल को कॉपी करना है। अब आपको जाना है डॉक्यूमेंट्स में जाना है वर्चुअल डीजे, उसमें स्किल्स करके एक फोल्डर होगा, बस इस फाइल को उस फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दो। अब आपको वर्चुअल डीजे खोलना है, वर्चुअल डीजे में जाना है सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाके यहाँ पे इंटरफेस पे क्लिक करो और यहाँ पे पायनियर डीजे रिकॉर्ड बॉक्स इसके ऊपर क्लिक करो। बस बन गया आपका वर्चुअल डीजे रिकॉर्ड बॉक्स में। अब बात करते हैं कि ऐसा करना ही क्यों है, दैट इज व्हाई यू शुड डू इट। तो सबसे पहला जो रीजन है वो है इंटरफेस। तो अगर आप रिकॉर्ड बॉक्स का इंटरफेस ही देखो तो वो इन जनरल थोड़ा क्लीन लगता है कंपेयर टू वर्चुअल डीजे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे वर्चुअल डीजे की स्क्रीन पे जाता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट्स हो गए, यहाँ पे ही सारे क्यू पॉइंट्स हो गए, तो एक तरीके से ये थोड़ा क्लस्टर्ड लगता है। और यहीं पे ही मैं रिकॉर्ड बॉक्स का इंटरफेस खोलूँ तो ये कंपेरेटिवली थोड़ा क्लीन लगता है। जैसे कि आप देख सकते हो ये इफेक्ट सेक्शन यहाँ पे ऊपर दिया है, जितने भी अपने क्यू पॉइंट्स है वो नीचे है, प्लस जो हमारा इंटरफेस है वो एग्जैक्टली सेम है जैसे हमारा रिकॉर्ड बॉक्स है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक्सपोर्ट मोड हो गया, सेम टू सेम एक्सपोर्ट मोड है। फिर जैसे अगर मुझे यहाँ पे कस्टमाइजेशन करना है, जैसे एफएक्स पैनल बंद करना हो तो मैं ये दबा दूंगा, एफएक्स पैनल बंद हो गया, मिक्सर सेक्शन नहीं चाहिए, बंद कर दिया। तो जो जो काम आप रिकॉर्ड बॉक्स में कर सकते हो वही एग्जैक्ट सेम चीज आप यहाँ वर्चुअल डीजे पे भी कर सकते हो। अब आते हैं दूसरे रीजन, दैट इज फीचर्स। जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि वर्चुअल डीजे इज द मोस्ट फीचरिस्ट सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड, तो ऐसे काफी सारे फीचर्स हैं वर्चुअल डीजे पे जो अब तक रिकॉर्ड बॉक्स में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इजी स्टेप्स, मैं दिखाता हूं पहले फीचर। तो सपोज ये गाना है, तो ऐसे मैं सिर्फ वर्चुअल डीजे को ही यूज करके उसका एकापेला एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, ये काम मैं रिकॉर्ड बॉक्स में नहीं कर सकता। ऐसे बतेरे फीचर्स है जैसे ऑटोमेटिक क्यू पॉइंट्स, जैसे ये एक सॉन्ग हो गया यहाँ पे सारे क्यू पॉइंट्स लोडेड है, सेकंड सॉन्ग हो गया यहाँ पे भी क्यू पॉइंट्स लोडेड है, थर्ड सॉन्ग हो गया यहाँ पे भी क्यू पॉइंट्स लोडेड है। तो आपको क्या लगता है ये क्यू पॉइंट्स मैंने डाले हैं? नहीं, ये सॉफ्टवेयर ने अपने आप ही डिटेक्ट करके डाले। तो ऐसे काफी सारे फीचर्स हैं जो वर्चुअल डीजे में है और रिकॉर्ड बॉक्स में नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे और वीडियोस बनाऊं वर्चुअल डीजे एंड उसके फीचर्स के ऊपर तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। बाकी जो थर्ड मेन रीजन है कि मेरे जितने भी जो डीजे लाइट्स हैं वो वर्चुअल डीजे के साथ ही सिंक होते हैं, रिकॉर्ड बॉक्स के साथ ये काम नहीं करता। अब ऐसा क्यों है ये मैंने अपने डीजे सेटअप वाले वीडियो में बता रखा है, आई बटन में आ रहा होगा, वो भी जरूर से देख लेना। तो यही थी आज की कहानी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ये वाला वीडियो देखो, मैंने ऐसे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो में बता रखा है। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे से डायरेक्टली डीजेइंग सीखने के लिए तो डिस्क्रिप्शन भी जरूर से चेकआउट कर लेना।